हरे कृष्ण दोस्तों, अगर आप श्री राम जी के भक्त हो तो आप कहीं ना कहीं हनुमान जी के भी भक्त हो और ये वीडियो हमने इसी टॉपिक पे बनाई है, हनुमान जी के बारे में कुछ रोचक तथ्य। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। हनुमान जी को पवन पुत्र कहा जाता है क्योंकि वह वायु देवता पवन के पुत्र हैं। हनुमान जी का जन्म अंजना और केसरी के घर हुआ था। हनुमान जी को भगवान राम के सबसे बड़े भक्त माना जाता है। हनुमान जी ने भगवान राम की पत्नी सीता की खोज में लंका की यात्रा की और उन्हें वापस अयोध्या ले आए। हनुमान जी ने भगवान राम के भाई लक्ष्मण जी को संजीवनी बूटी से जीवित किया था। हनुमान जी को वानर राज केसरी के पुत्र के रूप में माना जाता है। हनुमान जी को भगवान शिव शंकर का अवतार माना जाता है। हनुमान जी को भगवान राम के भक्तों के लिए एक शक्तिशाली देवता माना जाता है। हनुमान जी को भगवान राम के भक्तों के लिए एक आदर्श माना जाता है। क्या आप जानते हैं श्री हनुमान जी के बारे में? भगवान श्री हनुमान जी हिंदू धर्म के सबसे लोकप्रिय देवताओं में से एक हैं। वे भगवान राम के सबसे बड़े भक्त हैं और उन्हें शक्ति, बुद्धि और साहस का प्रतीक माना जाता है। चलिए जानते हैं हनुमान जी के बारे में कुछ रोचक तथ्य। पहला, वानर रूप में अवतारित। हनुमान जी का वानर रूप धरती पर भगवान शिव और माता दुर्गा के आशीर्वाद से हुआ था। उन्हें वानर सेना के सर्वाधिक प्रबल, बुद्धिमान और दृढ़ संकल्पी बनाया गया है। दूसरा, पवन पुत्र के नाम से प्रसिद्धि। हनुमान जी को पवन पुत्र के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि उन्हें वायुपुत्र कहा जाता है। इसका कारण उनके पिता का वायु देवता होना है। तीसरा, श्री राम के भक्त। हनुमान जी श्री राम के सबसे विश्वसनीय और वफादार भक्त थे। उन्होंने रामायण काल में सीता माता को लंका से वापस लाने में अद्भुत साहस दिखाया था। चौथा, संकट मोचन। हनुमान जी को संकट मोचन का देवता माना जाता है जिनकी पूजा से भक्तों के संकट दूर होते हैं और उन्हें सुख शांति प्राप्त होती है। भगवान श्री हनुमान जी के बारे में यह रोचक तथ्य भगवान की महिमा, शक्तियाँ और प्रेम से भरा है। उनकी कथाएं, लीलाएं और पूजा अर्चना संसार में अनेक लोगों के दिलों में विशेष स्थान रखती है। उनकी भक्ति से जुड़ने से भक्तों को सभी संकटों से मुक्ति मिलती है और उनके जीवन में समृद्धि और सफलता की प्राप्ति होती है। इसलिए हम सभी को भगवान हनुमान की शरण लेने का संकल्प करना चाहिए और उनकी पूजा अर्चना करके उनके आशीर्वाद को प्राप्त करना चाहिए। हनुमान जी अभी कहाँ हैं? हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान हनुमान गंधमादन पर्वत पर रहते हैं जो हिमालय में स्थित है। इस पर्वत को अनंजनादरी के नाम से भी जाना जाता है और इसे हनुमान जी का जन्म स्थान माना जाता है। हालांकि यह भी कहा जाता है कि हनुमान जी सर्वव्यापी हैं और वह कहीं भी पाए जा सकते हैं जहाँ उनके भक्त हैं। तो आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए और हमारे चैनल सात्विक नॉलेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। हरे कृष्णा।